आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 है ये। टॉपिक मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव चल रहा था, उसका 3rd लेक्चर आज हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 लेक्चर में देखा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में, हम लोगों ने देखा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीवों का क्या रोल था या योगदान था, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद 2nd लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कि औद्योगिक जो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, औद्योगिक प्रोडक्ट जो उत्पाद है उसमें सूक्ष्मजीवों का क्या रोल है। इस टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट जो हेडिंग डालते हैं बच्चे, जिसमें जो है सूक्ष्मजीव अपना रोल अदा करता है। ध्यान से देखते रहोगे, वीडियो को कंटिन्यू रहोगे, कंटिन्यू देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब जा करके फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट देखे फिर ये कर दिए तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इतना मेहनत करके जो है तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, क्लास में ऑफलाइन क्लास में कराने के बाद फिर ऑनलाइन जो है कराते हैं, ताकि हर तरीके से तुम्हारे पास ये जो है अवेलेबल रहे, ऑफलाइन क्लास का नोट्स के रूप में या फिर ऑनलाइन वीडियो के रूप में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। 3rd जो हेडिंग होगा माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीव का जो हम लोग यूज करेंगे, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट यानी कि जो सीवेज वाटर है, गंदे जल जो है या मल जल जो है, उसके उपचार में सूक्ष्मजीव, हम कह सकते हैं इसको गंदे जल या मल जल या अनुपचारित जल, गंदे जल या मल जल जो होता है ना, का हम लोग उपचार जो है देखेंगे, मल जल का उपचार में सूक्ष्मजीव का रोल यानी कि सूक्ष्मजीव। देखो बच्चे, अब सवाल ये है कि सीवेज वाटर या सीवेज क्या होता है, सीवेज क्या होता है, सीवेज या सीवेज वाटर जो है ये वास्तव में घरेलू कचड़े है ना, घर से, गांव से है ना, नली नाले से होते हुए जो सभी घरों से निकलने वाले गंदे जल जो होते हैं, गंदे जल जो होते हैं जिसमें जो है घरेलू कचड़े होते हैं, घरेलू कचड़े होते हैं, चाहे वो किचन की हो, रसोई घर की हो, रसोई घर की हो या अन्य जो है कचड़ा जो होता है, ये सारे कचड़े सहित जो जल प्रवाहित किए जाते हैं घरों से, और ये फिर नली नाले होते हुए जो है जाता है किसी जलाशय में, चाहे वो जलाशय के रूप में जो भी हो, नदी हो है ना, या तालाब हो या कुछ भी हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो इसको डिस्चार्ज करते हैं। तो इस टॉपिक में यही देखेंगे, ये जो गंदे जल है या जो वाहित जो मल जल होते हैं उसमें जो कार्बनिक कचड़े होते हैं, कार्बनिक जो है ना ऑर्गेनिक जो वेस्ट मटेरियल होता है, कार्बनिक जो कचड़ा होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट भी हम लोग कहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो कहते हैं, इसको है ना हटाना है, हटा करके जो है उसको उपचारित करके, और साथ ही साथ उसमें उपस्थित जो सूक्ष्मजीव है, हानिकारक सूक्ष्मजीव है, तो प्रयास ये करना चाहिए कि अत्यधिक कार्बनिक कचरा जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको और सूक्ष्मजीवों को है ना हटा करके जो है जल को प्रवाहित करना चाहिए जलाशय में, या जितना जो है कम से कम उसमें जो है ऑर्गेनिक वेस्ट और जो हानिकारक सूक्ष्मजीव रहे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसको उसके बाद जो है उस वाटर को जो है जलाशय में हम लोग ये डिस्चार्ज कर सकते हैं, बाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक में यही चीज़ देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट जो है यानी गंदे जल का जो उपचार हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, या यहाँ पे इस टॉपिक में किन किन बातों का ख्याल रखना है, जहाँ से 12th बोर्ड हो या नीट का एग्ज़ाम हो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो जो सीवेज वाटर है या जो है ना ये कह लीजिए कि गंदे जल है, सीवेज है ना, सीवेज
या सीवेज वाटर जो है, ये वास्तव में क्या होता है, तो घरों से निकलने वाले गंदे जल होते हैं, जिसमें हमने कहा जो है रसोई का कचरा और बच्चे का मल वगैरह या सारे घर के जितने भी कचरे हैं वो जल, जिस जल में प्रवाहित करते हैं, तो ये सीवेज या सीवेज वाटर कहलाता है, सीवेज वाटर कहलाता है। ये यानी कि म्यूनिसिपल जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम लोग सीवेज वाटर कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, उपचार की बात जब करते हैं, इस गंदे जल को ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं यानी कि उपचार की बात करते हैं, तो इसमें करना क्या होता है, तो वास्तव में जो उद्देश्य होता है वो ये उपचार के दौरान ये होता है उद्देश्य कि उस जल में, गंदे जल में उपस्थित जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है एवं हानिकारक सूक्ष्म जीव, कार्बनिक जो कचरा है उसको हटाना, कचरे को हटाना, कार्बनिक कचरे यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट को, साथ ही साथ जो है हानिकारक सूक्ष्म जीव को हटाना होता है। तो ये मेन उद्देश्य होता है। सवाल ये कि ट्रीटमेंट यानी कि उपचार गंदे जल का कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये मल्टी स्टेप्स प्रक्रिया है, बहुचरणीय प्रक्रिया है, तो इतना को अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लेंगे, है ना, इसको हटा रहा हूँ। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट का प्रक्रिया कि गंदे जल को कैसे ट्रीट करते हैं, और ऐसा नहीं कि 100% कार्बनिक कचरे को उस जल से हम लोग हटाते हैं या हटा पाते हैं, लेकिन जितना कम से कम ऑर्गेनिक कचरे रहेगा, प्रयास ये रहता है कि मैक्सिमम हट जाए, 10-15% जो है ऑर्गेनिक वेस्ट अगर बचा भी रह जाता है कचरे जल में, तो उसको माना जाता है कि इसको आप जलाशय में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो 100% नहीं, तो 10-15% तक जो है कचरा रह सकता है, वो उतना हानिकारक नहीं होता है या ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। नेक्स्ट, तो अब हम लोग उपचार का, ट्रीटमेंट का प्रक्रिया जो है स्टेप्स की बात करेंगे। ये ट्रीटमेंट जो सीवेज ट्रीटमेंट जो किया जाएगा ये 3 चरणों में किया जाएगा। 3 चरण, मुख्य रूप से 2 ही चरण होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। दूसरा को हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। ये प्राथमिक उपचार हो गया, प्राथमिक उपचार इसको हम लोग बोलेंगे। ये नोट्स भी बनाते चलेंगे, है ना बच्चे, ठीक है। ये द्वितीयक उपचार हो गया, अस्पष्ट जो है ना, सही तरीके से अरेंज करके लिखने का एकमात्र मकसद है कि इससे आपका नोट्स बनते चलेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर है ना इसको हम चाहें तो सिर्फ समझ लें, लेकिन नहीं, समझने के साथ साथ ये हर चीज़ को स्पष्ट इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है ताकि आप आराम से इसी वीडियो से पूरा क्लास आप कर सकें, थ्योरी के साथ साथ आप उसको नोट्स के रूप में बना सकें किसी तरह को, प्राइमरी कोई दिक्कत ना हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग भौतिक ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में, वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, ये भौतिक उपचार कहलाएगा जो है फिजिकल ट्रीटमेंट। द्वितीयक यानी कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बच्चे, वो वास्तव में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। पूरा वीडियो देखिए, जब देखने बैठते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए, और ये सोच करके वीडियो के माध्यम से कि थ्योरी याद हो जाए, ठीक है। ये जैविक जो है उपचार होता है,
जैविक उपचार होता है, यानी कि इसमें जो है ये जैविक प्रक्रिया होता है, जीवों का यूज किया जाता है, और ये केमिकल प्रोसेस होता है या केमिकल ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट। तीसरा जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम लोग रासायनिक उपचार भी बोलते हैं, रासायनिक उपचार हम लोग बोलेंगे। तो मुख्य रूप से जो है दो जो है प्रक्रिया, या दो कह सकते हैं कि स्टेप्स होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, द्वितीयक उपचार के बाद जल को आप जलाशय में डिस्चार्ज कर सकते हैं। आफ्टर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यू कैन डिस्चार्ज वेस्ट वाटर इनटू द वाटर बॉडीज। तो ये और एक लास्ट में केमिकल ट्रीटमेंट होता है, वो अलग होता है, है ना। ये मान लो वाटर को प्योरीफाई करना हुआ तो उसमें कई सारे केमिकल्स को ऐड करना होता है। आते हैं अब एक एक करके बारी बारी से हम लोग देखते हैं प्राथमिक ट्रीटमेंट क्या है, है ना, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट जो होता है, प्राथमिक उपचार क्या है। तो कोई एक मैं लिख दे रहा हूँ, चूँकि अभी जस्ट पूरा है ना हेडिंग ऊपर में लिखा हूँ, तो यहाँ पे प्राथमिक ट्रीटमेंट लिख दे रहा हूँ हिंदी में। भौतिक ट्रीटमेंट ये होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट जो होता है दो चरणों में पूरी होती है। कितना चरण में? तो दो चरण में पूरा होता है, पूरा होता है भौतिक जो उपचार होता है, है ना ये। और ये जो है एक जो है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, पहला चरण सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है ना, फिल्ट्रेशन। और दूसरा जो चरण होता है वो सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। तो दो चरणों में भौतिक जो प्रक्रिया है या भौतिक उपचार वो पूरी होती है। हम भौतिक उपचार का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं, सो सुनिए। इसमें क्या किया जाता है बच्चे, कि जो वेस्ट वाटर होता है, सीवेज वाटर जो होता है, गंदे जल जो होता है, उसको क्रमबार तरीके से, है ना, कई बार क्या करते हैं, तो फिल्टर करते हैं, छानने का कार्य करते हैं, छानते हैं, है ना, छानते हैं। ये जो है पहले बड़े पोर वाले जो है, बड़े छिद्र वाले जो है, कह सकते हो कि छानने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम लोग छानते हैं, और फिर ये धीरे धीरे छोटे छोटे छिद्र वाले, और जितने भी बड़े कचड़े हैं, कागज़ के टुकड़े हुए, लकड़ी हुए, या कपड़ा हुआ, जो बड़े हाथ से हटाए जा सकते हैं, तो उसको फिजिकली जो है भौतिक रूप से जो है हाथ से हटा दिया जाता है। और कई बार जो है इसको फिल्टर किया जाता है, तुलनात्मक रूप से छोटे छोटे जो है कचड़े होते हैं, छोटे छोटे, है ना, कचरा जो होता है उसको भी जो है हटा दिया जाता है, है ना, छानने के द्वारा। और अंततः जो सेकेंड प्रक्रिया है, अंतिम में जब, है ना, कई बार फिल्टर करते हैं, उसके बाद गंदे जल को, सीवेज वाटर को जो है स्थिर छोड़ दिया जाता है, स्थिर छोड़ दिया जाता है, गंदे जल को छोड़ दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जितने भी जो है मृदा के कण हैं, या जो है गिट्टी है, है ना, ये सभी जो है, या बालू के कण है, ये सब नीचे क्या होता है, बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, यानी सेटल डाउन कर जाता है, सेडिमेंट कर जाता है। तो इसी लिए इस विधि को, सेकेंड विधि को सेडिमेंटेशन कहते हैं, कि पहला जो है आप कई बार जो सीवेज वाटर को जो है कई बार फिल्टर करिए, और बड़े और एवं तुलनात्मक रूप से छोटे जितना संभव हो पाता है उस कचरे को आप हटाइए, फिर अंततः जो पानी में घुले हुए कचरे हैं उसके हटाने के लिए क्या करना है, इस सेडिमेंटेशन का मतलब होता है पानी को जब आप छोड़ देते हैं तो नीचे गंदगी जो बैठता है उसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन, और कचड़े को कहते हैं सेडिमेंट। तो ये जो कचड़ा हो गया ये सेडिमेंट कहलाता है, सेडिमेंट कहलाएगा, ठीक है ये। और सेडिमेंट को नीचे में बैठने की प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर सेटलिंग टैंक में जब हम सीवेज वाटर को ये करते हैं, डालते हैं, तो होता है क्या है कि हमने कहा नीचे में जो है डस्ट वगैरह या मृदा का कण, सिल्ट हुआ यानी गिट्टी हुआ, बालू का कण हुआ, सैंडी, है ना, पार्ट जो हुआ, ये क्या होता है, नीचे सेटल डाउन कर जाता है। तो और ऊपर में जो है वो लिक्विड पार्ट रहता है, जलीय भाग रहता है, जल का मेन भाग रहता है, और उसमें जो कणीय भाग था, यानी कि भारी भाग जो था, भारी पार्ट था, वो नीचे सेटल डाउन कर गया। तो ये जो सेटल डाउन कर जाता है,
सेटल डाउन कर जाता है जो पदार्थ है, है ना। तो इसी पदार्थ को ये सेटल डाउन कर जाता है, पदार्थ है, ये पदार्थ कहलाता है प्राइमरी स्लज, यही कहलाता है प्राइमरी स्लज कहलाता है, प्राइमरी स्लज कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, प्राथमिक स्लज कहलाता है ये। कौन प्राथमिक स्लज क्या होता है? तो प्राथमिक स्लज जो होता है बच्चे कचड़े होते हैं, मृदा का कण, गिट्टी, वालू कण, जो कहाँ हुआ नीचे में ये सेटल डाउन कर गया। तो यहाँ से तक, यहाँ तक जो है सेटल डाउन कर जाने वाले, नीचे बैठ जाने वाले पदार्थ प्राइमरी स्लज कहलाता है। जबकि ऊपर का जो भाग है, जलीय भाग जो है, लिक्विड भाग जो है ना, जो जलीय भाग है ये कहलाता है प्राइमरी इफ्लुएंट कहलाता है, प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट कहलाता है। स्पेलिंग आप बढ़िया से देखिएगा ये। तो यहाँ देखिए ऊपर में जो है ये प्राइमरी इफ्लुएंट हो गया, प्राइमरी इफ्लुएंट हो गया। और ये प्राइमरी इफ्लुएंट जो होता है ये वास्तव में क्या, कौन भाग होता है? तो जलीय भाग होता है, लिक्विड, जो ऊपर में जल बच रह गया। और नीचे में जो बैठा कचड़ा, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्लज कहते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, इस कचड़े को, प्राइमरी स्लज को बाद में जो है एनारोबिकली जो है अनऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा या एनारोबिक जो है प्रक्रिया के द्वारा फर्मेंट करा करके, किण्वन करा करके, एनारोबिकली इसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट करा दिया जाता है। ये डाइजेस्ट करा दिया जाता है, किसको डाइजेस्ट करा दिया जाता है? तो ये प्राइमरी स्लज को। और इस दौरान कुछ बायोगैस का भी ये प्रोडक्शन होता है, बायोगैस का। तो बायोगैस के लिए रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में प्राइमरी स्लज का यूज किया जा सकता है, या गोबर गैस, इसी को गोबर गैस कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भी बायोगैस या गोबर गैस। अब हमको ट्रीटमेंट करना है प्राइमरी इन्फ्लुएंट का, जो प्राथमिक इन्फ्लुएंट है, इस जल को भी शुद्ध करना। अब भी इसमें कई सारे कार्बनिक पदार्थ क्या हैं, तो अभी घुले हुए हैं लार्ज अमाउंट में, अभी घुले हुए अभी तक। तो वो मोटा मोटा या मोटी कह सकते हो कि जो कचड़ा था वो भी हुआ, इसमें जो घुला हुआ है प्राइमरी स्लज में गंदगी या जो है सूक्ष्मजीव हानिकारक, उसको, उसका ट्रीटमेंट करना क्या है। तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाऊंगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी स्लज इफ्लुएंट जो है उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। यहाँ तक जो प्रक्रिया था वो था बच्चे भौतिक प्रक्रिया, यानी कि प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा, प्राथमिक उपचार में दो स्टेप, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। इसमें करते क्या है कि पहले तो हाथ से जो है, या भौतिकली, भौतिक रूप से फिजिकली जो है, बड़े बड़े टुकड़ों को, कागज है ना, का कपड़े का टुकड़ा जो, या लकड़ी का टुकड़ा, उसको हटाते हैं। फिर कई बार जो है क्रमवार तरीके से ये फिल्टर करते हैं, फिर तुलनात्मक रूप से छोटे कचड़े को हटाते हैं, फिर सेडिमेंट करा करके जो और छोटे छोटे भारी कण जो है ना, चाहे मृदा हो, गिट्टी हो या बालू हो, इसके कण को अलग कर लेते हैं। अब उसके बाद जो लिक्विड पार्ट बच जाता है वो प्राइमरी इफ्लुएंट कहलाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट का उपचार अभी बाकी है। तो इसका जब हम उपचार करते हैं, यही कहलाता है जैविक उपचार कहलाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि इस उपचार में, द्वितीयक उपचार में जो है, हम जीवों का यूज करते हैं, उसमें गंदे जल में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक जो जो है बेकार का पदार्थ है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम जीव का यूज करते हैं, सूक्ष्म जीव का यूज करते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को, द्वितीयक जो उपचार है उसको हम लोग जैविक प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रक्रिया कहते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रक्रिया क्यों कहते हैं, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हुआ। इसमें हम सूक्ष्म जीव यूज करने वाले हैं, जीव यूज करने वाले हैं उसके ट्रीटमेंट में, सीवेज के ट्रीटमेंट में, जिसको प्राइमरी इन्फ्लुएंट अब कहेंगे उसके ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट का मतलब क्या करेंगे, उसमें जो उपस्थित बेकार का कार्बनिक जो पदार्थ है, कचरा है, उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कराते हैं। तो दूसरा जो चरण है ये है द्वितीयक उपचार है, और द्वितीयक उपचार को ही हम लोग कहते हैं, द्वितीयक उपचार को ही हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और ये वास्तव में क्या, ये क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल, क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक उपचार भी कहलाता है। तो जैविक उपचार याद रखिएगा, है ना, ऊपर में हेडिंग में बताया था।
अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा सा जो है टैंक लेते हैं, है ना, एक बड़ा सा जो है टैंक लेते हैं। इससे पहले जो जिस सेटलिंग टैंक का यूज किया था, उस सेटलिंग टैंक से प्राइमरी इफ्लुएंट का को निकाल करके एक लार्ज एरिएशन टैंक में जो है डाल देते हैं। ये हो गया लार्ज एरिएशन टैंक, हो गया एरिएशन टैंक, हो गया एरिएशन टैंक, हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो शुद्ध रूप से हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो हिंदी उच्चारण लिखने का जरूर प्रयास करेंगे। ये लार्ज एरिएशन टैंक हो गया, एरिएशन टैंक है, और इस टैंक में हमने क्या डाल दिया है बताओ तो, प्राइमरी इफ्लुएंट को। किसको डाल दिया? प्राइमरी इफ्लुएंट को, जो द्रवीय पार्ट बच गया था, जलीय भाग बच गया था, है ना, ये जो है सीवेज वाटर का, तो ये प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राथमिक इफ्लुएंट है, या जो है प्राइमरी इफ्लुएंट है, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। और जब मैं कोई चीज़ लिख रहा होता हूँ तो उस समय आप सुनिए कि मैं बोल क्या रहा था। कभी कभी कोई लेटर मान लो सट जाता है, स्पष्ट नहीं दिखता है, तो उसको आप सुना भी कीजिए बोलते क्या है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट हो गया, ये प्राथमिक है ना, इफ्लुएंट हो गया, इफ्लुएंट हो गया। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं इस विधि में, बायोलॉजिकल जो मेथड है या उपचार है, इसमें हम कई सारे जो है जीव को डालते हैं, एरोबिक बायवीय जीव को या बायवीय सूक्ष्म जीव को, बायवीय सूक्ष्म जीव को डालते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहता है, तो कवक हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, या कुछ प्रोटिस्टेंट्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, ठीक है ये। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे कवक और जीवाणु, जो एरोबिक कवक और एरोबिक जीवाणु है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये जो है यहाँ पे अब जो है कार्य करता है प्राइमरी इफ्लुएंट पे, यहाँ पे ये खास तरह का संरचना का निर्माण करता है, एक खास तरह का नेटवर्क बनाता है, जाली जैसा संरचना, है ना, ये जो है कवक और जीवाणु के सहयोग से, और प्रोटोजोआ भी उसमें रहता है, तो मुख्य रूप से कवक और जीवाणु याद रखिएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स। तो ये टर्म है इम्पॉर्टेंट बच्चे कि फ्लॉक्स क्या है। तो जो हम जीव यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कवक और जीवाणु, ये दोनों का कंबाइंड रूप होता है, है ना, ये दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो फ्लॉक्स कहलाता है। वास्तव में ये क्या होता है, कवक और जीवाणु का क्या होता है, तो ये संयुक्त रूप होता है, संयुक्त रूप होता है, नेटवर्क लाइक, है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाली नुमा संरचना होता है, जाली नुमा संरचना होता है। तो ये याद रखिए, निर्माण करता है, संरचना का निर्माण करता है, कहलाता है फ्लॉक्स। ये टर्म पे आप फोकस करोगे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, नीट और ट्वेल्थ दोनों के लिए शब्द इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फ्लॉक्स कार्य करता है, डाइजेशन करता है किसको, तो ये जो प्राइमरी इवेंट है, में उपस्थित जो कार्बनिक कचड़े हैं, कार्बनिक कचड़े जो है, ये कचड़े को क्या करता है, तो डाइजेस्ट करता है, या डिकम्पोज करता है, या अपघटित किया जाता है, या किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो फ्लॉक्स के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लॉक्स के द्वारा अपघटित किया जाता है। फ्लॉक्स क्या है, तो एरोबिक कवक और क्या चीज, जीवाणु। अब चूंकि एरोबिक है ये, है ना, ऑक्सीजन इसको आवश्यकता पड़ेगा, तो यहाँ पे एक टर्म है बच्चे कि ये कब समझेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस पूरा हो गया, या जो कार्बनिक कचरे को हम हटाने वाले हैं वो लगभग हट चुका है, और इस पानी को, जल को जो है, है ना, हम ये जो है जलाशय में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा बीओडी, बीओडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, VVII है, ट्रिपल स्टार इसमें लगाओगे, बीओडी दैट मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबसे पहले फुल फॉर्म अपने आप में एक जो है क्वेश्चन है इसका, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। और अब सवाल ये है कि बीओडी होता क्या है, तो समझिएगा, बढ़िया समझिएगा कि देखो, ये जो हमने प्राइमरी इन्फ्लुएंट लिया, ठीक है,
ये वास्तव में है ना, ये क्या है, तो जल ही तो है ना, जल ही तो है, गंदे जल है ना, ये गंदे जल। तो एक लीटर जो है गंदे जल में, यहाँ पे फिर से देखिए, एक लीटर गंदा जल है या प्राइमरी इफ्लुएंट है, मान लो ये जो सीवेज वाटर है, गंदा जल जो है यहाँ पे, मान लीजिए ये जो सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर है कितना, तो हमने कहा एक लीटर। तो इस एक लीटर गंदे जल में, एक लीटर गंदे जल में, लीटर गंदे जल में उपस्थित जो है सभी कार्बनिक पदार्थ, जल में उपस्थित, ध्यान से देखते चलिएगा, उपस्थित सभी कार्बनिक पदार्थ, जितने भी कार्बनिक कचरा है, कार्बनिक कचरे जो है ना, कचरे जो है, इसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में है ना, किस में पचाने में, या कहिए अपघटित करने में, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की जो है डिमांड होती है, यानी ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की मांग होती है, ऑक्सीजन की है ना मात्रा, वह मात्रा है ना जिसकी डिमांड किस में होता है, तो एक लीटर गंदे जल में उपस्थित सभी कार्बनिक कचरे को पचाने में ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है, वही मात्रा क्या कहलाता है, वीओडी कहलाता है। तो ये हमने रफली यहाँ पे इसको समझाया, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, वीओडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ट्वेल्थ एज वेल एज नीट एग्ज़ाम, दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीओडी हमने क्या कहा, वास्तव में हमने ये कहा कि वीओडी जो होता है, वास्तव में ऑक्सीजन का डिमांड होता है, यह एक लीटर, मैं लिख दे रहा हूँ बढ़िया से, एक लीटर गंदे जल, गंदे जल में उपस्थित सभी कार्बनिक कचरे। अब सभी कार्बनिक कचरे का मतलब मैंने बताया कि ज़्यादा ज़्यादा 85-90% तक कचरे को हम हटा सकते हैं, कार्बनिक कचरे को, ऑर्गेनिक वेस्ट को। तो एक लीटर गंदे जल में उपस्थित सभी कार्बनिक कचरे को अपघटित करने के लिए, अपघटित करने के लिए यानी कि डिकम्पोज करने के लिए अपघटित करने के लिए अपघटक के द्वारा, तो यहाँ पे जो अपघटक है, अपघटक के द्वारा जो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे अपघटक के रूप में कौन है, तो हमने कहा जीवाणु है, और क्या है, तो कवक है, तो वही, तो करने के लिए अपघटक के द्वारा ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की डिमांड होती है, या ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे बीओडी कहते हैं। तो याद रखिएगा है ना, बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में क्या होता है, तो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन की है ना आवश्यकता होती है किसके लिए, तो एक लीटर में उपस्थित सभी जो है, एक लीटर में गंदे जल में उपस्थित सभी कार्बनिक कचरे को अपघटित करने के लिए, किसके द्वारा, तो अपघटक के द्वारा, जीवाणु और कवक के द्वारा यानी फ्लॉक्स के द्वारा, क्या कहलाता है, बीओडी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये मदद करता है बीओडी ये चेक करने में कि गंदा जो जल को हम ट्रीट कर रहे थे बायोलॉजिकली सेकेंड ट्रीटमेंट के तहत, तो वो उपचारित हुआ या नहीं हुआ। जब बीओडी घट करके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब बीओडी है ना घट करके है ना कितने पे आ जाता है, तो हमने कहा कि 10-15% पे आ जाता है, इतना तो रहेगा है ना, इससे कम नहीं होगा। मतलब हमने कहा था पूरे कार्बनिक पदार्थ को आप नहीं हटा सकते हो,
तो अगर इतना पे आ जाता घट करके 10-15% तक, तो हम समझेंगे कि ये जो जल है वो उपचारित हो गया और इस जल को हम जो है रिवर में या अन्य जलाशय में क्या कर सकते हैं, ये जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये BOD इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस गंदे जल का जितना अधिक BOD होगा, आप समझिएगा, जिस जल का जितना अधिक BOD होगा समझिएगा उतना ज़्यादा गंदा है, और जिसका जितना कम होगा वो क्या होगा, उतना साफ है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट्स लिखने के लिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर मान लो कि नहीं स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वीडियो के पीछे जा करके, है ना, उसको रोक करके स्क्रीनशॉट लोगे। तो एक यहाँ पे एक बात बताओ हमको, एक है ना क्वेश्चन ये तुमसे पूछा जाएगा कि BOD से संबंधित, कि अगर BOD क्या है, किसी जल का क्या है बताओ तो ज़्यादा है, क्या है बताओ तो ज़्यादा है। यानी कि यदि BOD ज़्यादा, देन कंक्लूजन क्या निकालोगे, तो पानी क्या है बताओ तो ज़्यादा गंदा है, पानी क्या है बताओ तो ज़्यादा गंदा है, ठीक है। ये यानी इसमें जो है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। दूसरा इफ़, यानी कि वही यदि मैं कह रहा हूँ, यदि किसी जल का BOD जो है क्या है बताओ तो कम है, किसी जल की यानी कि कम है, मतलब बताओ पानी क्या है बताओ, तुलनात्मक रूप से क्या है बताओ तो साफ है, क्या है साफ है, कैसा तो तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है कि जो प्राइमरी इफ्लुएंट को अभी हमने एरोबिकली एरिएशन टैंक में डाल करके एरोबिक बैक्टीरिया यानी जीवाणु और फंगस दैट इज कवक के द्वारा जो अभी हमने अपघटित करवाया, उसको फिर क्या करते हैं सेटलिंग टैंक में डाल करके कुछ देर तक जो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले प्रॉपर उसको एजिटेट कर रहे थे, हिला डुला रहे थे, ऑक्सीजन ये एयर प्रोवाइड कर रहे थे, वहाँ पे कवक और जो है जीवाणु अपघटित कर रहा था कार्बनिक कचरे को। अब क्या करते हैं कुछ देर के लिए फिर से सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं, ये सेटलिंग जो है टैंक है बच्चे, और सेटलिंग टैंक वह टैंक होता है जिसमें है ना स्थिर छोड़ा जाता है इफ्लुएंट को या कहिए गंदे जल को। तो सेटलिंग टैंक में फिर से इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लॉक्स है प्रायः फ्लक्स, अब वो जो है चूँकि भारी होने के कारण वो नीचे आ जाता है और लगभग कार्बनिक कचरा जो है डाइजेस्ट अपघटित हो चुका है ना, तो अब यहाँ पे ऊपर में जो है जल रह गया, ठीक है। ये जिसका BOD हमने कहा था घट करके कितना तक आ गया तो 10-15% तक, तो ये जल है, ये जो है उपचारित जल कह सकते हो, ये उपचारित जल कह सकते हो या जल कह सकते हो, जिसकी BOD जो है ये जल है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है द्वितीयक उपचार के बाद जलाशय में हम लोग इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, जलाशय में प्रवाहित किया जा सकता है, यानी कि प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो नीचे कचरा बैठा है फ्लॉक्स के रूप में, ये मान लो है ना ये सेडिमेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्लज कहते हैं, या इसी को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, सेकेंडरी स्लज बोलेंगे, स्लज या SLUDG स्लज, या इसी को बोलते हैं बच्चे एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड स्लज। ध्यान से देखिए वीडियो को जब देख रहे होंगे, तो मानकर चलो कि हम क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लासरूम में तो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है ना गप सप हल्ला वगैरह भी होता है, लेकिन जो बच्चे इसको सीरियसली अगर बढ़िया से 40 मिनट या 35 मिनट का जो वीडियो बनता है उसको देखोगे, हर चीज़ जो है इजीली वे में याद होगा। तो हमने कहा क्या कहते हैं इसको, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को क्या करते हैं, सो सुनिए, इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ मात्रा में तो जो है इसको यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं इसको इनोकुलम के रूप में। इनोकुलम का मतलब हुआ बच्चा जोरन, किसके लिए, तो नया जो कचरा को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट से गुजारेंगे तो उसमें उपस्थित जो है कार्बनिक पदार्थ को डाइजेस्ट करने के लिए हमको चाहिए ना फ्लॉक्स, तो ये यही तो ये फ्लॉक्स है, वाकई में देखो ये तो है, हमने कहा सेकेंडरी स्लज, ये वास्तव में क्या होता है, ये फ्लॉक्स जो है ना ये नीचे सेटल डाउन किया है, नीचे जो बैठ गया वही तो है ये
बैठा हुआ, तो ये है, तो इसको इनोकुलम चूर्ण के रूप में यूज करते हैं। और बाकी बचे को हम लोग, बाकी बचे को क्या करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज को हम बायोगैस प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं। बायोगैस या जिसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस के उत्पादन में क्या करते हैं, तो यूज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, तो ये एक्टिवेटेड स्लज को, एक्टिवेटेड स्लज जो है बच्चे, इसको अब क्या करते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड स्लज को एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि जीवाणु के द्वारा क्या करते हैं, तो अपघटित कराते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित कराते हैं, यानी कि ये इसको फिर डिकम्पोज कराते हैं, अपघटित कराते हैं। लेकिन इस बार याद रखिएगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब पिछले बार जो लिए थे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो एरोबिक था, ये एनएरोबिक है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये वर्क करेगा, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया। और इसके रूप में रहता कौन है, तो मिथेनोजेन्स, कौन रहता है, तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया रहता है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया रहता है। और मिथेनोजेन बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो मिथेन गैस उत्पादन के लिए जाना जाता है, या मिथेन गैस उत्पादित करता है, मिथेनोजेन जीवाणु। तो याद रखिएगा कि एनएरोबिक बैक्टीरिया के रूप में हम यूज जिस बैक्टीरिया का करते हैं वो क्या होता है, मिथेनोजेन्स होता है। और इसके द्वारा जो है किसका, तो मुख्य रूप से CH4 है ना का उत्पादन होता है, CH4 का मतलब मिथेन गैस, और जो कि ये मिथेन गैस जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का क्या है बताओ, तो मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, मिथेन। अकेले 50-70% जो होता है अकेले कौन होता है, मिथेन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना ये। और इस तरीके से एक्टिवेटेड स्लज का भी अपघटन हो जाता है एनएरोबिकली, और बाई प्रोडक्ट के रूप में बायोगैस भी हमको मिल जाता है, जिसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। ये बायोगैस हुआ, गोबर गैस, मिथेन। अब अगला टॉपिक, ऐसे भी हम लोग बायोगैस ही देखेंगे, है ना, तो इसका चर्चा और करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन जो है अभी वाला जो टॉपिक है इसको अभी आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा ट्रीटमेंट ये पूरा हो गया, उपचारित जल को आपने क्या क्या जलाशय में प्रवाहित करने के लिए आप स्वतंत्र ये कर सकते हैं, किया जा सकता है, इसका BOD घट करके 10-15% आ गया। सेकेंडरी स्लज को आपने क्या किया, तो एनएरोबिकली आपने डाइजेस्ट कराया, मिथेनोजेन बैक्टीरिया के द्वारा मिथेन गैस आपको मिला, जो बायोगैस का मुख्य घटक है। हालांकि यहाँ पे सुनिए लीजिए, बायोगैस का जब हम बात करते हैं या गोबर गैस की बात करते हैं घटक का, जब वहाँ पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे भी इसी चीज़ की चर्चा करूँगा, तो इसका जो घटक है होता है बच्चे मिथेन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो ये घटक है। अगर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन कौन से घटक होते हैं जो है बायोगैस का, तो हो सकता है कुछ कट रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको पुनः लिख दे रहा हूँ नीचे, अगर ज़्यादा लिखा गया होगा तो। बायोगैस का अगर आपसे घटक पूछेगा बच्चे, तो बायोगैस का घटक आपको बोलना है कि जो मेन घटक होता है वो CH4 होता है, इसके अलावा हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और हाइड्रोजन जो होता है प्रायः वेपर के रूप में रहता है, बाष्प के रूप में रहता है। तो ये मेन ये घटक है इसका, गोबर गैस या बायोगैस का, और मेन घटक पूछेगा कौन, तो मिथेन। तो द्वितीयक उपचार भी, ट्रीटमेंट भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बच गया तृतीयक। तो द्वितीयक ट्रीटमेंट तक ही मुख्य रूप से हम लोग को इसमें देखते हैं, लेकिन तृतीयक के बारे में भी सुन लेते हैं, करते क्या है, है ना। ये उपचार कंप्लीट हो गया, आपने वाटर को क्या किया, जलाशय में प्रवाहित कर दिया, और वही हमको करना था। लेकिन तृतीयक उपचार जो हमने लिखा उसका मतलब क्या, तो तृतीयक उपचार का मतलब ये होता है बच्चे, तृतीयक उपचार जो है ना, ये केमिकल उपचार के नाम से जानते हैं, तृतीयक उपचार को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस उपचार में जो है आगे और प्यूरीफाई करने के लिए कुछ रसायन का क्या किया जाता है, तो प्रयोग कहता है, रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वाटर जो है वो और ज़्यादा क्या हो, तो मतलब जो है शुद्ध हो सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि टर्शियरी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ उस तरह का होता नहीं, केमिकल्स के प्रयोग के द्वारा उसका और शुद्धिकरण बढ़ाया जाता है।
बीओडी शब्द को याद रखिएगा, इसी टॉपिक से संबंधित है ना एक दो पॉइंट और याद रखिएगा बच्चे नोट करके। एक है गंगा एक्शन प्लांट, एक शब्द है आएगा गंगा एक्शन प्लांट, और ये प्लान, मैं प्लांट बोल रहा था बार बार, ये गौर से सुनोगे गंगा एक्शन प्लान, और यानी कि गंगा जो है कह सकते हो कि परियोजना जो है गंगा नदी को बचाने के लिए प्रदूषण से परियोजना लाया गया, तो गंगा एक्शन प्लान, और एक यमुना एक्शन प्लान, यमुना यमुना एक्शन प्लान। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनता है कि कब लाया गया, 1985 में ये लाया गया। किस लिए लाया गया, तो जो गंगा नदी जो है गंगा नदी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए, प्रदूषित होने से क्या चीज़ रोकने के लिए एक परियोजना लाया गया, रोकने के लिए एक परियोजना लाया गया, योजना लाया गया, कार्यक्रम चलाया गया, तो इसको हम लोग कहते हैं गंगा एक्शन प्लान 1985, डेट याद रखिएगा। यमुना एक्शन प्लान 1993 में लाया गया, ये यमुना नदी जो है उसको प्रदूषण से बचाने के लिए। तो ये था सीवेज ट्रीटमेंट के अंतर्गत आने वाले सारे पॉइंट्स है ना हमने कवर किया, और ये कंप्लीट तुम्हारा थ्योरी हुआ, लेक्चर थर्ड कंप्लीट हुआ, आज यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू। और एक बात मैं बोलूँगा बच्चों कि जब वीडियो देखते हो तो कंप्लीट देखो, थोड़ा समय दो लेकिन बढ़िया से इसको देखो है ना, और अगर एक बार में कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो बार बार उसको देखिए है ना हर चीज़, ये तो अब रिकॉर्डेड रहेगा उस पर लाइव के बाद भी, ठीक है, तो आप बार बार देख सकते हैं। आज यहीं तक, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।